मांगलिक बहू। गुप्ता जी अपनी बेटी गुंजन की शादी को लेकर बहुत परेशान थे। काफी महीने हो गए थे उसके लिए लड़का ढूंढते ढूंढते, लेकिन जब भी गुप्ता जी अपनी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढते, उसके साथ रिश्ते की बात पक्की ही नहीं हो पाती थी। एक दिन परेशान होकर गुप्ता जी अपनी बेटी गुंजन और अपनी पत्नी पुष्पा के साथ पंडित जी के पास पहुंचे। प्रणाम पंडित जी, अब आप ही कुछ उपाय बताइए। मैं तो अपनी बेटी के लिए लड़के देख देख कर थक गया हूँ। इतने अच्छे अच्छे लड़के मिले भी सही, लेकिन कहीं कोई रिश्ता पक्का ही नहीं हो पाता। गुप्ता जी, जरा अपनी बेटी की कुंडली तो दिखाइए, ठीक से देखनी पड़ेगी। लगता है कुंडली में कोई गड़बड़ है। हाँ हाँ पंडित जी, जरा ठीक से देख कर बताइए ना, आखिर कब होगा हमारी बेटी का विवाह। अरे अरे, लगता है आपको कभी किसी ने बताया नहीं पहले। आपकी बेटी की कुंडली में तो मांगलिक दोष है, और इसकी शादी किसी मांगलिक लड़के के साथ ही होनी चाहिए, वरना विवाह के बाद बहुत परेशानी आ सकती है। आपके कहने का मतलब है कि अब मुझे गुंजन के लिए कोई मांगलिक लड़का ढूंढना पड़ेगा? जी बिल्कुल ठीक समझा आपने गुप्ता जी। जो लड़का मांगलिक ना हो, उसके साथ अपनी बेटी की शादी करने की गलती कभी भी मत करना। लेकिन पंडित जी, इन सबसे क्या होता है? अब दुनिया में इतनी शादी होती है, सबको थोड़ी ना पता होता है कि वो मांगलिक है या नहीं। बात तुम्हारी सही है बेटा, लेकिन ये भी तो सच है ना कि कितने सारे विवाह टूट जाते हैं, लंबे समय तक टिक नहीं पाते। इसलिए हमें कुंडली और इन सब बातों पर भरोसा करना चाहिए। आप ठीक कहते हैं पंडित जी, हम ध्यान रखेंगे। प्रणाम, अब हम चलते हैं। घर पहुंचने के बाद, लो अभी एक परेशानी और आ गई। अब एक अच्छा लड़का तो ढूंढना है, लेकिन उसके साथ वो लड़का मांगलिक भी होना चाहिए। वही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। अच्छी नौकरी, अच्छा घर और अब मांगलिक लड़का। पता नहीं हमारी बेटी के लिए एक सुयोग्य लड़का कब मिलेगा। तभी पड़ोस में रहने वाली काकी गुप्ता जी के घर आती है। अरे काकी, बहुत दिनों के बाद आई है, आइए चलिए साथ में बैठकर चाय पीते हैं। अरे पुष्पा, मैं तो तेरी छोरी के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। बड़ा अच्छा लड़का है, दिखने में एकदम सुंदर राजकुमार, और बहुत अच्छी नौकरी भी है। अरे काकी, आप तो रिश्ता ले आई है, लेकिन पंडित जी से मिलकर आ रहे हैं हम लोग। उन्होंने कहा कि गुंजन की कुंडली में मांगलिक दोष है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उस लड़के को भी वैसी ही लड़की चाहिए, और उसे ना एक सुंदर लड़की से शादी करनी है। और आपकी गुंजन तो दिखने में इतनी प्यारी है, उसका रिश्ता तो झट से पक्का हो जाएगा। अरे वाह काकी, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। चलिए आज तो मैं आपको चाय के साथ मिठाई भी खिलाऊंगी। जा जा, फिर देर किस बात की, जल्दी से बढ़िया सी चाय बना ला और मिठाई ना भूलना। इस तरह गुंजन की शादी देवेंद्र नाम के लड़की के साथ हो जाती है। गुंजन और देवेंद्र की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। देवेंद्र की माँ भी गुंजन को बहुत अच्छे से रखती थी। एक बार देवेंद्र गुंजन के साथ गुंजन के घर आया। दामाद जी, आपके साथ अपनी बेटी का रिश्ता करके हम तो धन्य हो गए। आपकी बेटी गुंजन भी बहुत अच्छी है मम्मी जी, मेरे परिवार का और हम सबका बहुत ख्याल रखती है। मैं भी गुंजन के साथ शादी करके बहुत खुश हूँ। चलो ये भी अच्छा हुआ। जानते हो, गुंजन के लिए रिश्ता ढूंढने में बहुत मेहनत लगी थी, कोई अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा था। बाद में पंडित जी ने बताया कि गुंजन मांगलिक है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा जी, ये बात तो मुझे भी पता नहीं थी कि गुंजन मांगलिक लड़की है। लेकिन देवेंद्र जी, आप भी तो मांगलिक है ना, तभी तो आपके परिवार वाले मेरी और आपकी शादी के लिए मान गए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो इस बात को पहले से जानते थे। लगता है कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि मैं मांगलिक नहीं हूँ। लेकिन बेटा, जब काकी रिश्ता लेकर आई थी तुम्हारा, तो उन्होंने बताया था कि तुम मांगलिक हो और तुम्हें ऐसी ही लड़की चाहिए, इसीलिए तो हम अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ करवाने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि हम तो खुद इस बात को लेकर बहुत डरे हुए थे। चलिए पापा जी, मम्मी जी, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी और गुंजन की मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस बारे में मुझे मेरी माँ से एक बार बात करनी चाहिए। देवेंद्र जी, आप इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए।
अब हमारी शादी हो चुकी है और भगवान की दया से हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको मम्मी जी से बात करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम घर चलकर उनसे बात कर लेते हैं। देवेंद्र के घर जाने के बाद, मम्मी आपको एक बात बतानी थी, लेकिन वादा करिए कि आप नाराज नहीं होंगे। क्या हुआ बेटा, अभी तो अपने ससुराल से होकर आए हो गुंजन के साथ, कोई परेशानी है क्या? बताओ मुझे, गुंजन से झगड़ा हुआ है? अरे नहीं मम्मी जी, देवेंद्र तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो फिर बात क्या है बेटा, सीधे सीधे बताओ, तुम्हारे चेहरे पर उदासी मुझे भी अच्छी नहीं लग रही। मम्मी वो क्या है ना, गुंजन मांगलिक है। ये तुम क्या कह रहे हो, गुंजन मांगलिक है? लेकिन बेटा तुम तो मांगलिक नहीं हो, और इसी वजह से मैं तो तुम्हारी शादी किसी बिना मांगलिक लड़की के साथ करवाना चाहती थी। अब जाने दो ना मम्मी, बस आपको बताना जरूरी था इसलिए मैंने आपको बता दिया। वो क्या है ना, शायद कोई गलत फहमी हुई है, और उस गलत फहमी के चलते ही गुंजन के परिवार वालों को लगा कि मैं भी मांगलिक हूँ, और इसी वजह से उन्होंने मेरी और गुंजन की शादी के लिए हाँ कर दिया। मेरा ही दिमाग खराब हुआ था शादी के वक्त, दीवानी हो गई थी मैं गुंजन की सुंदरता देखकर, लगा सब कुछ सही है। लेकिन ये सब नहीं चलेगा, इससे तो आने वाली जिंदगी में बहुत परेशानी आ सकती है। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी, कैसी परेशानी? आप फिक्र मत करिए, मैं हर चीज का ध्यान रखूंगी। और वैसे भी मम्मी, मेरी और गुंजन की शादी को थोड़ा वक्त हो गया है, हमें एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। अरे शुरू शुरू में थोड़ी ना पता चलता है, लेकिन मैं नहीं चाहती बेटा कि तेरे साथ कुछ भी बुरा हो। लेकिन मम्मी जी अब क्या कर सकते हैं, अब तो शादी हो गई है। शादी नहीं, धोखा हुआ है हमारे साथ, तुम्हारे घर वालों को बताना चाहिए था, अब तुम्हारा मांगलिक दोष मेरे बेटे पर भारी पड़ेगा। अच्छा ठीक है मम्मी, अभी बहुत रात हो गई है, हम इस बारे में कल बात करते हैं, आप भी आराम से सो जाइए, हम भी अपने कमरे में जाते हैं। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन गुंजन की सास के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि गुंजन मांगलिक है और इसकी वजह से उनके बेटे की जिंदगी में परेशानी आ सकती है। अब गुंजन की सास किसी भी कीमत पर गुंजन को अपने बेटे की जिंदगी से दूर करना चाहती थी, और इसलिए वो अलग अलग तरीके से उसे परेशान करने लगी। गुंजन, मेरे जरूरी डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ अलमारी में रख रहा हूँ, देखो तुम उठाकर इन्हें अंदर लॉकर में रख देना। ठीक है देवेंद्र जी, अभी बाथरूम में हूँ, आप ऑफिस जाइए, बाहर आती ही मैं आपके डॉक्यूमेंट संभाल कर रख दूंगी। ऐसे कैसे संभाल के रख देगी, ये सारे डॉक्यूमेंट मैं फाड़ कर फेंक दूंगी, उसके बाद देखती हूँ देवेंद्र का गुस्सा तेरे ऊपर किस तरह निकलेगा। गुंजन, मैंने तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स दिए थे, वो कहाँ है? कौन से डॉक्यूमेंट्स देवेंद्र जी, आपके जाने के बाद मैंने चेक किया, वहाँ अलमारी में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। ये तुम कैसी बात कर रही हो यार, वो बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मैं खुद जाकर चेक करता हूँ। अरे नहीं है वहां पर। थोड़ी देर के बाद, गुंजन तुम कितनी लापरवाह लड़की हो, इस बात का पता मुझे आज चल गया है, ये देखो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स फटे हुए डस्टबिन में पड़े हुए हैं। मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम जानती हो इसकी वजह से मेरी जॉब भी जा सकती है। मैं सच कह रही हूँ देवेंद्र जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो डॉक्यूमेंट्स देखे तक नहीं। गुंजन बेटा क्यों बहस कर रही हो, हो सकता है ना कि गलती से तुमने ये डॉक्यूमेंट्स फाड़ कर डस्टबिन में डाल दिए हो, अब देवेंद्र कह रहा है तो अपनी गलती मान लो ना। लेकिन मैंने जो काम किया ही नहीं, मैं उसे कैसे मान लूं? अच्छा तो लापरवाह होने के साथ अब तुम जिद्दी भी हो, सही कहती है मम्मी, एक मांगलिक लड़की और बिना मांगलिक लड़के की शादी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। उसके बाद आए दिन देवेंद्र और गुंजन के बीच झगड़े होने लगे, और एक दिन जब झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मुझे तुम्हारे जैसी लड़की के साथ रहना ही नहीं है। तुम भी तो मुझ पर हर बात पर शक करते हो देवेंद्र जी, शुरू शुरू में मुझे लगा था कि आप बहुत अच्छे पति हो। यह गलत फहमी तो मुझे भी थी तुम्हारे साथ, लेकिन हमें ना बड़े लोगों की बात माननी चाहिए, और अगर मुझे पता होता कि इतनी प्रॉब्लम आने वाली है तो तुम्हारे मांगलिक होने की बात पता चलती ही मैं तुम्हें घर से निकाल देता। अच्छा तब नौबत यहाँ तक आ गई कि आप अपनी पत्नी को घर से बाहर निकालेंगे। जो पत्नी एक मिनट अपने पति को चैन से जीने नहीं देती, जिसकी चीजों का ख्याल नहीं रख सकती, उसका घर में क्या काम।
ठीक उसी वक्त देवेंद्र के घर के पुराने पंडित जी उनके घर आते हैं। ये सब क्या हो रहा है? आपके बेटे और बहू इस तरह झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अब क्या बताऊं पंडित जी, ये सब तो होना ही था। अरे बहू के घर वालों ने हमसे झूठ बोला और अपनी मांगलिक बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करवा दी। मुझे तो पहले ही पता था ये सब होने वाला है। अगर ऐसा हो गया था तो आपको उसके लिए कोई उपाय करना चाहिए था। कैसा उपाय पंडित जी, ये शादी तो वैसी ही गलत है, कोई उपाय करने से क्या होने वाला है। मुझे अभी के अभी देवेंद्र की कुंडली दिखाओ, असलियत क्या है मैं ये पता करूंगा। ये लीजिए पंडित जी देवेंद्र की कुंडली, आप खुद ही देख लीजिए, मेरे बेटे के ऊपर मंगल दोष बिल्कुल भी नहीं है और ये लड़की, इसके ऊपर तो भारी मंगल दोष है। पंडित जी ध्यान से देवेंद्र की कुंडली देखते हैं और फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। आप जानती नहीं लेकिन आपका बेटा मांगलिक है, भारी मांगलिक दोष लेकर पैदा हुआ है ये, और ये तो भला हो जो इस लड़की के साथ इसकी शादी हो गई, इसकी वजह से इसका मंगल दोष समाप्त हो चुका है। अगर ऐसा है पंडित जी तो मेरे और गुंजन के बीच होने वाले झगड़े। देखो बेटा, जब हम दिमाग में किसी बात को बसा लेते हैं ना तो वैसा ही होता है। तुमने सोच लिया कि तुम्हारी पत्नी मांगलिक है और तुम्हारी उसके साथ कभी बन नहीं सकती, तो बस वैसा ही होना शुरू हो गया। वैसे एक बात कहूँ, गलती मेरी भी है। जब से मुझे पता चला कि गुंजन मांगलिक है, मैंने इन दोनों के बीच झगड़े करवाने का काम किया था। यह देखो बेटा, झगड़े की जड़ यहाँ खुद हमारे बीच मौजूद है। हम जैसा दिमाग में बातें बना लेते हैं, हमारे साथ वैसा ही होना शुरू हो जाता है। अब अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि तुम्हारी पत्नी मांगलिक है और तुम भी मांगलिक हो। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा।